नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हम लोग पटना की सड़कों पर है। आज 10 जुलाई है। आज से लॉकडाउन लगाया जा चुका है और आज लॉकडाउन का पहला दिन है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये बातें साफ तौर पर कह दी गई हैं कि ऑटो रिक्शा और बसें, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो चलते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि मास्क लगा करके ही आपको बाहर निकलना है। बिना मास्क के आप बाहर नहीं निकलेंगे। हालांकि प्राइवेट सेवाओं में या फिर सरकारी सेवाओं में छूट दी गई है कि जो इमरजेंसी है, जो आपातकाल है, जो सेवाएं ज़रूरी हैं, वो लागू रहेंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहना है और किस तरह से लॉकडाउन को फॉलो कराया जाए, जिला प्रशासन इस पर भी ध्यान देगा। आप बात कर लेते हैं पटना की सड़कों पर, जो कोशिश थी कि लोगों की भीड़ भाड़ कम हो तो वो दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर कम निकल रहे हैं क्योंकि अमूमन ये जो 8 बजे का वक्त है, इस वक्त तक बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई देती थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता था, लेकिन लोग कम दिखाई दे रहे हैं। सवारी नहीं मिल रही है भैया? सवारी मिल रहा है आप लोगों को? ऑटो चलाने का इजाज़त तो है, रिक्शा चलाने का इजाज़त तो है, लेकिन सवारी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि लोग कम निकले सड़क पर, वही दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो इसी तरह के हालात हैं अभी पटना की सड़कों पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बस लगी है। ये अभी वहाँ से बस स्टैंड से निकल करके आई है, लेकिन यहाँ पर भी इसमें भी सवारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है क्योंकि बिहार की राजधानी पटना हो या फिर और भी दूसरे ज़िले हो, जहाँ जहाँ लॉकडाउन लग रहे हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। इस वजह से ये लॉकडाउन लगाया गया है ताकि लोगों की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। पब्लिक प्लेसेस पे गतिविधियाँ बढ़ रही थी, उसके हिसाब से कोरोना वायरस भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जो लगाया गया है, ये ऐसा लग रहा है कि कारगर साबित हो रहा है। आज क्या लग रहा है कि सड़कों पर भीड़ भाड़ कम है पहले से? बहुत कम है। हाँ, पैसेंजर ही नहीं है, कम तो जरूर है। पैसेंजर नहीं है अभी? ये टाइम में तो बस पूरा भरा रहता था। हाँ, अभी तो टाइम भरने का है। हाँ, बिजी रहे गाड़ी, कोई खाली तो नहीं है। बिल्कुल, ये पटना के गांधी मैदान से बस है जो खुलती है और बिहटा जाती है, लेकिन इसमें भी सवारी एकदम नहीं है। नहीं है सर सवारी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, पहले किस तरह का था? पहले पूरा भर जाता था। पटना की सड़कों पर गाड़ियां हैं, सवारी नहीं है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जो है वो प्रभावी साबित हो रहा है। हालांकि पूरा का पूरा जो है डिपेंड करता है लोगों पर कि लोग कितना अच्छे से इस लॉकडाउन को फॉलो करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटी.in पर जाएं। धन्यवाद।